मल्टीपर्पज सियांग डैम नहीं है यार, मैं हमेशा बोल गए सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, दिस नॉट एन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी जहाँ जहाँ हम लोग ने एमओयू किया हुआ है वहाँ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक आर वेलकमिंग दोस प्रोजेक्ट। सियांग जो है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। तो कुछ बोलने का नहीं है, गालो समाज का जो हॉस्पिटैलिटी है वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर स्टेट है। तो एनीवे आज मैं यहाँ पे 31 आलोई इसमें आया हूँ, इनफैक्ट कल शाम को ही पहुँचा हूँ। तो मैं सबसे पहले 31 आलोई ईस्ट के अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ख़ास करके जितने भी जो वोटर्स हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि सभी लोग ने सपोर्ट करते हुए अपना किंतु जीनी साहब को यहाँ से दोबारा फिर उनको मौका दिया है, यहाँ से एमएलए चुनके भेजा हुआ है। तो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनका जो काम को देखते हुए इस बार इनको कैबिनेट में भी शामिल किया गया है और हमें पूरा उम्मीद है और वो अच्छा काम कर भी रहा है। जो भी डिपार्टमेंट उनको सौंपा गया है वो अच्छा से परफॉर्म भी अभी कर रहा है। आज 10 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऐसा इनोग्रेट हुए, मल्टीपर्पज हॉल भी है और रिवर फ्रंट के पास भी, तो किस प्रकार सर ये स्पेशली टूरिज्म के लिए वाटर फ्रंट के पास रिवर टूरिज्म को लेकर आप क्या कहेंगे और आज के प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहेंगे? आज दो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हमने किया है, एक तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो यहाँ पे जो वेरियस बड़ा मीटिंग्स जो कंडक्ट करते हैं या कुछ भी कल्चरल शोज वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर बड़ा हॉल एकदम उसका उद्घाटन हुआ है। और साथ ही साथ वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट भी आज उद्घाटन हम लोग ने किया हुआ है। तो मैंने कहा कि जो यमगो रिवर को और भी हम लोगों को डेवलपमेंट करना चाहिए और आने वाला दिनों में, ताकि इसमें टूरिज्म का मतलब अच्छा एक ग्रोथ मिलने के लिए, क्योंकि आलो जो है आर्ट्सवाइल जो अनडिवाइडेड जो वेस्ट सियांग हुआ करता था उसमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और यहाँ का जो काफ़ी सुंदर है, यहाँ का वेजिटेशन वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो इसको हम लोग टूरिज्म क्षेत्र में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग आने वाला दिनों में जिनी साहब का साथ में पूरा सरकार भी सहयोग करेंगे, उसको हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। सर स्टेडियम को लेके और एक सवाल है सर, सर आपका लीडरशिप में आपका ब्लेसिंग से जिनी सर बहुत ही आलो को बदलने में वो एक भी कसर नहीं छोड़ा है, देख रहा है ये पाइप लास्ट 5 ईयर्स में आलो बहुत डेवलप हो रहा है। आज भी आपने दो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है तो सर, लेकिन इसमें दुख का ये बात है कि आलो स्टेडियम आपका एयरपोर्ट से भी ज्यादा समय ले रहा है सर। सर उसमें बिल्कुल ये देखिए, अभी मैं तो हमेशा डिपार्टमेंट को बोलते आया हूँ, तो अभी इस बार का जो नया पोर्टफोलियो जो दिया गया है तो किंतु जिन्हें भी अपना स्पोर्ट्स एंड यूथ भी वही देख रहा है, तो मैंने इनको बोल के रखा हुआ है कि डिपार्टमेंट को पुश करके इस स्टेडियम को जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ के जो युवाओं लोग फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था, अभी काम नहीं होने का कारण से उन लोगों का काफ़ी ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो ज़रूर हम लोग ने अभी डिपार्टमेंट का हिसाब से ये 31 दिसंबर तक टारगेट दिया हुआ है कि 90% कम्प्लीट करवाने का, अगर नहीं होता है तो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी वो लोग ने बोल के रखा हुआ है कि उसको टर्मिनेट भी करेंगे बोलते हैं, तो इसके बाद डिपार्टमेंट अपना हिसाब से फिर उसको कम्प्लीशन करेंगे। तो एनीवे आई थिंक अभी ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने दिसंबर तक ये महीना अभी आज तो 2 तारीख हो गया, तो 31 दिसंबर तक फिर देखेंगे, इसके बाद अगर नहीं होता तो फिर जैसे डिपार्टमेंट मिनिस्टर ने आज पब्लिकली जो कमेंट दिया है उसको हम लोग एडिट करेंगे। लास्ट सवाल मेरा तरफ से सर, आदो साहब ने भी बोला सर आलो का और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एनक्रोचमेंट को लेकर। आलो में सर मैक्सिमम 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है बारागर में बैठ रहे, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एनक्रोच सर 10 मीटर 5 मीटर तो छोड़ दीजिए, कोई कोई क्वार्टर तोड़ के बैठ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से सर आपको क्या कहना है? ये एक सीरियस मैटर है, इसमें ऑलरेडी फॉर्मर मिनिस्टर ने भी इसका विषय में पब्लिकली उन्होंने बताया है, चिंता व्यक्त किया है। तो डेफिनेटली यहाँ का जो प्रशासन है, मैं अपने ओर से भी चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दूंगा कि प्रशासन को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि ये प्रशासन का ही काम होता है, जहाँ पे एनक्रोचमेंट होता है उसको इविशन करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे ओर से हम जरूर इसको इंस्ट्रक्शन का वार्ड, दिस आर जस्ट पार्ट ऑफ इट, उस प्रोजेक्ट का ही पार्ट है ये। तो इस तरह से अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स और भी हम लोगों को सेंक्शन होकर आएगा, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाइड्रो पावर को लेके मैं इतना कहना चाहेंगे आप सभी चैनल्स के माध्यम से कि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारा जो रिक्वेस्ट है कि 26% इक्विटी शेयर को भी देने का, फ्री पावर 12% तो हम लोगों को मिल ही रहा है, इसके अलावा 26% इक्विटी शेयर भी अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। तो आने वाला दिनों में उससे हमारा रेवेन्यू, बहुत अच्छा रेवेन्यू हम लोग अपना स्टेट को हम लोग दिला पाएंगे। सो आई थिंक वी मस्ट थैंक एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब फॉर यू नो फॉर
एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। लोग इस पे लेंगे सर, अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं सियांग डैम को लेके। नहीं, सियांग मल्टीपर्पज सियांग डैम नहीं है यार, मैं हमेशा बोल के सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, दिस नॉट एन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी जहाँ जहाँ हम लोग ने एमओयू किया हुआ है वहाँ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक आर वेलकमिंग दोस प्रोजेक्ट। सियांग जो है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, सियांग डैम भी नहीं है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो उसको लेके अभी हमारा काफी सारा लोगों से चर्चा चल रहा है, मेनी पीपल आर वेलकमिंग इट। आई थिंक लोगों को एजुकेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मे बी आप सभी मीडिया के दोस्तों से बोलूंगा, आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही चीज को आप लोग भी नीचे खबर पहुंचाना है। सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज नॉट एन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर जो है उसका जस्ट ऑफशूट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो, बाई डिफॉल्ट उसका प्रोडक्ट है ये। तो ये मैं बाद में मैं जाऊंगा फिर सियांग में भी, तो उसमें भी हम पब्लिक के लिए हम अपील करेंगे इस विषय को लेके। सर ये तातो में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो अभी तक नहीं बना है, लेकिन उसमें देखा गया कि क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज किया गया था, इसका क्या क्या कहना सर? उसमें हमें एक्चुअली कुछ उतना अभी खास आइडिया नहीं है। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है तो कंसर्न जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है उसके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा, और क्या करेंगे। जगह को भी रिस्क जगह में बनाया गया है, टाउन से भी बाहर, और ऐसे जगह में फेलियर ऑफ द ऑफिसर्स, ये पूरा ऑफिसर का ही गलत है, क्योंकि सही इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट से आता है तो उसको सही लोकेशन चूज करके बनाना चाहिए। तो इसके विषय में देख लूंगा फिर डिपार्टमेंटली जो भी एक्शन होगा। सिविल पार्टी मेरे साथ में आज या सीएम सर भी आशीर्वाद देने आए, स्पीकर साहब आए, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बीराम बागा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर भी है, जयसंगलो पुल जी आए मंत्री, और हमारे अजिंता सिंह जी है, और एमएलए लेकांग से भी लेखा सोनी जी भी आए, और निक कामिन जी बरदुमसा से, और मेरे तरन तावो साहब जो है और डिप्टी स्पीकर, ऑल गालो एमएलए शिरकत हुए इस प्रोग्राम में। मैं ये बताऊं कि आलो में हमारे मल्टीपर्पज हॉल नहीं थे, यानी कि कन्वेंशन हॉल नहीं थे, आज हम कन्वेंशनल हॉल के उद्घाटन किया है हमारे सीएम साहब के कर कमलों से, और हमारे सब मंत्रीगण और विधायकगण आके, क्योंकि आलो में बहुत एक कन्वेंशनल हॉल की वीक तलाश था, तो आज इस पर पूरी हुई आज, जिसमें ऑलमोस्ट 800-900 का एकोमोडेशन होंगे, जिसमें एनी कल्चरल इवेंट्स होगा, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, तो पब्लिक कैन यूज इट। वॉकवे के जो जो रिवर फ्रंट के पास गंगो रिवर, इससे कितना बेनिफिट होगा सर रिवर टूरिज्म को आगे बढ़ने के लिए? मैं आपको बताऊँ कि ये जो है एक कचरा फेंकने का जगह बन के रह गया था, मैं उसको सोचा कि उसको यूज करके उसको रिक्रिएशनल पार्क भी होंगे, हमारे यहाँ में आलम में रिक्रिएशनल पार्क नहीं है, तो वे एमिनिटीज होंगे, और हमारा प्रोटेक्शन आलो का प्रोटेक्शन भी होगा, आलो या बैडमिंटन कोर्ट का और पार्किंग लॉट भी होगा, मल्टीपर्पज यूटिलिटी में आएंगे, और शाम को बच्चा लोगों को लेके टहलने के लिए उसमें हम कैफेटेरिया भी खोल रहे हैं, तो दैट वे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, माने मल्टीलिटी यूटिलिटी होंगे। सर आपने अवार्ड किस लिए दिया, यहाँ कुछ सर्टिफिकेट्स दिए आपने, ये क्या बेस्ट वोटर्स के लिए या आपके गांव के लिए, क्या था? नहीं, इसमें मैंने ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड मैंने अनाउंसमेंट दिया था कि जो फर्स्ट हाईएस्ट में मिलेगा उसको प्राइज देंगे, तो मैं तीन प्रकार का प्राइज रखे गए थे उसमें, फर्स्ट प्राइज मेरा बस्ती ही मिला, देन सेकेंड बस्ती भी मेरा दूसरा बस्ती है बिरू विलेज है, एंड थर्ड वन फाका मिला है, तो सबको भी मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट अच्छा से काम किया है, तो उसको सराहना करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मल्टीपर्पज तो बन गया, लेकिन ये स्टेडियम 8 साल से पेंडिंग है एसपीए का, ये इसका क्या हो? मल्टीपर्पज तो इस सवाल में आप फिर जोड़ना चाहूंगा अलग से नहीं पूछ के, सर आपका डेडलाइन टीके का साथ जो डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में फॉर्मर दो मिनिस्टर जो डेडलाइन तो ओवर हो चुका है, लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया आपका तरफ से December 31st को लास्ट डेडलाइन दिया गया है, अभी आज दिसंबर का 1 तारीख है 2 तारीख है, और आज सुबह तक लेबर सिर्फ 12 लेबर है वहाँ पे। सर युवराज के सवाल में मैं जोर के, थैंक यू युवराज और मामा जी, मेरा बोलना ये है कि मेरा और उस दिन जो डेडलाइन का टाइमलाइन जो दिया गया है 31 दिसंबर तक है, मैंने कहा कि एटलीस्ट 90% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं हुआ तो हम करे से करे कार्रवाई करेंगे, और
मैं आशा करता हूँ कि वो लोग करेंगे, और नहीं किया है तो हम भी कैसे एक्शन लेना है लेने के लिए हम आम सर करें क्या करें एक्शन क्या क्या हो सकता है, क्या उम्मीद रख सकते हैं? नहीं नहीं एक्शन तो आप देखिए दिस इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क को कैसे कानूनी कार्रवाई करना वो तो मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ। एश्योरेंस कैसी रही? अच्छा उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेंक्शन किए, कुछ रोड के भी प्रोजेक्ट्स कैसा रहा? हाँ सीएम साहब तो ये रोड हमारा जिरदिन तो एई विलेज जो कनेक्टेड नहीं है उसको बाया बुमरू बोलते हैं, उसे सीएम साहब के द्वारा ऑलरेडी 10 करोड़ का सेंक्शन करके रखा है। और एक दूसरा वाला जो है मार्केट सेट जो न्यू ओल्ड मार्केट में डेली मार्केट जो है उसको भी सीएम साहब आश्वासन दिया है, प्रॉमिस किया है कि उसे कर देंगे, और मैं आशा करता हूँ कि सीएम साहब जो बोला है वो पत्थर की लकीर की समान है। तो सर आलू के लिए, आलू को आगे बढ़ाने के लिए कोई रोड मैप रहेगा आपका 4 साल आने वाले? मेरा आलू में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था मैं ऑलमोस्ट कर दिया हूँ। मैं आते ही 2 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए, आलू क्लब बनाया है, तो उसमें मोपिन डेरे में मोपिन कन्वेंशन हॉल कल्चरल हॉल 5 करोड़ का बनाया है, और सब रास्ते को सीसी पेवमेंट बनाया है, ब्लैक टॉपिंग बनाया है। तो मैं अभी मेरा जो करना है अभी ब्यूटिफिकेशन के लिए और क्लीनिनेस ड्राइव में करने के लिए अभी रेडी। थैंक यू। वन फोटो पोज रेडी, सब यहाँ देखिए। वन फोटो पोज रेडी, सब यहाँ देखिए।
ये 8 करोड़ समथिंग का स्कीम है। कितने फाइनेंस के, कौन से डिपार्टमेंट से? ये PWD है। कितना टाइम लगा इसको बनने में? इसको 24 महीने था, लेकिन 12 महीने में खत्म किया है। कंप्लीट हो गया इसमें क्या होगा इसमें? 400 जैसे बैठने का कैपेसिटी है, साथ में आपका ये सब कुछ है। आपका नाम? तो ही रोमिन लम्बा दिन से।